वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड गाइस, एक्चुअली हमारे देहरादून में ना दशहरी दिवाली का मेला लगा है और वो 3 दिन का लगा है, मतलब हर साल लगता है वो। एंड आज मैं लास्ट डे जा रही हूँ, तीसरा दिन है आज मेले का और आज मैं लास्ट डे जा रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक मतलब ये वाले मेले में नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। तो अभी मैं इस बार यहाँ पे हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ायदा उठा जाए और मेले में जाया जाए। तो मैंने सुना है यहाँ पे मतलब नेपाली कल्चर का डांस और ज्वेलरी और नेपाली फूड मतलब सब कुछ मिलता है और बहुत ही मज़ा आता है। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। एंड अभी मैं जा रही हूँ मनीषा बहनी के साथ एंड मेरे हस्बैंड मतलब हस्बैंड लोग शाम को वो करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो आज संडे है और लास्ट डे है मेले का। तो गाइस चलो चलते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कैसा है यहाँ दशहरी दिवाली का मेला। तो गाइस हम पहुँच गए हैं मेला में, बहुत भीड़ है। ओह माय गॉड, भीड़ रही सब। यहाँ से स्टॉल स्टार्ट है, यहाँ पे ऐसे लगे हैं स्टॉल पूरे। उधर खाने का स्टॉल है, ये सजाने के पूरे शोपीस। यहाँ पूरे खाने के स्टॉल है, हम आ गए थे यहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए क्योंकि ना यहाँ पे स्टॉल पे लिखा था हाइजीनिक पानी पूरी, इसीलिए सिर्फ इसीलिए हम आए हैं। और क्योंकि मतलब मोस्टली ना पानी पूरी मतलब बहुत अनहाइजीनिक तरीके से बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मतलब लिखा था हाइजीनिक और मतलब दिखने में भी हाइजीनिक लग रहा था। और ये सेंसर वाला था लेकिन सेंसर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो बार बार उसे ऐसे लगाना पड़ रहा था और फिर अंकल हेल्प कर रहे थे वो बटन प्रेस करने में, तब जाके पानी पूरी आया। और पानी पूरी वैसे अच्छा था, ठीक था। फर्स्ट टाइम ऐसा वाला पानी पूरी खाया और ऐसा लगा पानी पूरी दुकान के सामने दुकान के सामने वहाँ अच्छा लगा बोलता ना दुकान के सामने। तो निर्जला गुरु जी भाई सम्मान करने को लगी हमरो देहरादून पा बसोबास करते हैं। Oh,
खुश हो रहा है गाइस। देखो अब हम यहाँ पे शॉपिंग, पहले प्रोग्राम देखा, अब शॉपिंग करने के लिए आ रहे, कैसे घूमने के लिए थोड़ा बहुत। ये दे दो एक यार, ये है पूरा फूड कोर्ट, पूरा फूड कोर्ट है ये, फूड कोर्ट रात 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 को चश्मा लगा दिया, अंधेर और दिखी रहा जन। व्लॉग की मैं कल एंडिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और हम लेट पहुंचे क्योंकि हमारी गाड़ी छूट गई थी और ऊपर से हमें ऑटो भी नहीं मिल रहा था और फिर हमने काफ़ी देर वेट किया, उसके बाद हमको ऑटो मिला। और मतलब लोग मजबूरी का इतना फ़ायदा उठाते हैं ना, मतलब जो एक होता है ऑटो, एक होता है ई रिक्शा, मतलब ई रिक्शा छोटा होता है, मतलब ऑटो से भी ज़्यादा ई रिक्शा वाले चार्ज कर रहे थे। वो सुन के मैं बोल रही हूँ मतलब क्या इंसान है यार। मैंने बल्कि उनको बोला अच्छा मैंने आप क्या मैंने ऑटो से भी महंगे हो गए, तो वो काफ़ी चार्ज कर रहे थे, तो हमने वो ई रिक्शा में तो नहीं बैठे, हम फिर भी ऑटो कर लिया था और हमको मतलब काफ़ी हो गया था, 15-20 मिनट हो गया था वेट करते हुए और रात भी काफ़ी हो गई थी। तो फिर एनी हाउ हम पहुँच गए और मतलब मेले में बहुत मज़ा आया ऑनेस्टली, और मतलब जान पहचान वाले भी लोग दिखे काफ़ी, और मतलब सब्सक्राइबर मिले और आके मुझसे बात किया उन्होंने, दीदी ने, इतना अच्छा लगा ना, मतलब मेरा तो दिन बन गया और मतलब बेस्ट मोमेंट मैं उसी को बोलूँगी। एंड यार मतलब जो भी लोग देखते हो ना, पहचानते हो, तो बात करने ना आ जाया करो, मैं बहुत फ्रेंडली नेचर की हूँ और आप सामने भी आओगे ना तो मैं मज़े से बात करूँगी, क्योंकि ना अब वो ऐसा है ना, मतलब अचानक से आए तो ना मैं बिल्कुल वो हो गए, शॉक्ड होगी कि अच्छा मतलब मुझे भी पहचाना, मुझे नहीं लगता था कि मतलब मुझे कोई पहचान भी लेगा। और मैं उस टाइम व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, अगर मैं व्लॉगिंग करती तो मैं पक्का दीदी को, उन दीदी को मैं लेती व्लॉग में, बट नहीं कर पाई, मतलब सडन मोमेंट हो गया वो, बट सडन था बट बेस्ट था और बहुत अच्छा लगा। तो जितने लोग पहचानते हो आ जाए करो यार, बात करने के लिए कुछ नहीं होता, और अच्छा लगता है मुझे फ्रेंड्स बनाना और काफ़ी फ्रेंड्स बन भी जाएंगे मेरे, तो बस गाइस अच्छा लगा एंड क्या बोलूँ, बस बेस्ट ऑफ ऑल था वो मोमेंट एंड थैंक यू सो मच, मतलब आप आए, बात किया, अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। गाइज व्लॉग को एंड करती हूँ अब, और आई होप आपने ये व्लॉग इंजॉय किया होगा, व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।